പ്രളയം, സർവനാശം വിതയ്ക്കുന്ന മഹാപ്രളയം. വാട്ട് ഐ മീൻ ടു സേ ഇസ് പ്രളയാനേ വാലാ ഹൈ. ഹാരനേ കോ കുച്ച് നഹീ, ജീത്നേ കോ പൂരി ദുനിയാ ഹൈ. सलमान खान ने दिया रमजान गिफ्ट. ईद 2025 पर लेकर आ रहे बड़े बजट के फिल्म इस सुपरहिट डायरेक्टर से मिलाया हाथ. सलमान खान के फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब उनका ये इंतजार खत्म हो गया है. सलमान की अगली फिल्म को लेकर घोषणा की गई है. ये फिल्म अगले साल 2025 के ईद पर रिलीज होने वाली है. सलमान इस फिल्म के लिए साजिद नाडियाडवाला के साथ जुड़ रहे हैं और इसका डायरेक्शन मुर्दागास करने वाले हैं. फिल्म के नाम की अभी घोषणा नहीं हुई है. बता दें कि साजिद और सलमान साल 2014 की हिट फिल्म किक के बाद अब साथ आ रहे हैं. वहीं मुर्दागास के साथ सलमान पहली बार काम कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सलमान खान ने फिल्म को कंफर्म किया है. उन्होंने पोस्ट किया, एक बहुत ही मजेदार फिल्म के लिए प्रतिभाशाली मुर्गदास और मेरे दोस्त साजिद नाडियाडवाला के साथ जुड़कर खुशी हुई. ये सहयोग काफी खास है और मैं आपके प्यार और आशीर्वाद से इस जर्नी की शुरुआत कर रहा हूँ. ये फिल्म ईद 2025 पर रिलीज होने वाली है. बता दें कि इस फिल्म का बजट लगभग 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. हालांकि अभी नाम से पर्दा नहीं उठ सका है, लेकिन एक्शन थ्रिलर ये मूवी पुर्तगाल और अन्य यूरोपीय देशों में शूट की जा सकती है. इसे साजिद नाडियाडवाला की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म माना जा रहा है. पिंक विला ने सोर्सेस के हवाले से बताया था कि फिल्म को लेकर इस साल की शुरुआत में कुछ मीटिंग्स हो चुकी है और अब जल्द से जल्द फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी. पिछले साल फिल्म की स्क्रिप्ट से भी आमना सामना हो चुका है. सलमान खान की पिछली मूवी टाइगर 3 थी, जिसमें वो कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी के साथ नजर आए थे. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया था और 12 नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी. अब इस मूवी को प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है. वहीं सलमान के पास पाइपलाइन में टाइगर वर्सेस पठान भी है, जिसमें वो शाहरुख खान के साथ नजर आने वाले हैं. इस फिल्म की शूटिंग भी आदित्य चोपड़ा बना रहे हैं और कुछ समय बाद इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है.